तो देश के दुश्मन अपना ठिकाना बदलने में जुट गए हैं। मसूद अजहर हाफिज सईद का अफगानिस्तान प्लान क्या है? जम्मू कश्मीर के पुलवामा 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले के जवाब में इंडियन एयरफोर्स की ओर से पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर की गई एयर स्ट्राइक से आतंकियों में खौफ पैदा हो गया है। पाक में बैठकर आतंकियों की नर्सरी तैयार करने वाले जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठन अब भारतीय बॉर्डर से अपने बेस को शिफ्ट करने में जुट गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पाक बेस्ड आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा संगठनों ने अफगानिस्तान के आतंकी समूहों से हाथ मिला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठन लश्कर और पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर के संगठन जैश ने अफगानिस्तान के हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान से दोस्ती कर ली है। सूत्रों के मुताबिक पाक स्थित आतंकी संगठन कंधार और कुनार्क से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब अफगानिस्तान में अपने आतंकी बेस को शिफ्ट कर रहे हैं। दरअसल उनके ऐसा करने के पीछे पाकिस्तान की सरकार का भी दबाव है। इस साल के अंत में पाकिस्तान को टेरर फंडिंग की निगरानी करने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के सामने खुद को ब्लैकलिस्ट होने से बचाना है। ऐसे में दुनिया की नजर में पाकिस्तान के कथित एक्शन को दिखाने के लिए आतंकी अपने दहशत गर्दों और टेरर कैंपों को अफगान बॉर्डर पर ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि पाक पहले से ही टेरर फंडिंग के खिलाफ काम करने वाले FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। इसने पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। उधर भारत चाहता है कि FATF पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करे, जिस कदम से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन अफगानिस्तान में तालिबान के दबदबे वाले इलाके में छुप रहे हैं। लेकिन इससे काबुल स्थित भारतीय दूतावास और अन्य कूटनीतिक संस्थानों को खतरा पैदा हो गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक कंधार स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास को तालिबान हमले के खतरे की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि हक्कानी नेटवर्क ने साल की शुरुआत में जैश सरगना मसूद अजहर को अफगानिस्तान में पनाह देने का ऑफर दिया था। हालांकि मसूद का ये मानना था कि वो बहावलपुर में पाक आर्मी के सुरक्षा घेरा में महफूज है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।